हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आज करेंगे गाइस पर्दाफाश। दोस्तों, अक्सर आपने भी देखा होगा कि जो फूड आप मंगवाते हैं वैसा जब वो आता है तो नहीं होता है, और आज हम बहुत सारे अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने वाले हैं और उनको उनके फोटो से कंपेयर करने वाले हैं कि असली वाले में और फोटो वाले में क्या डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम निकले सच की खोज में और अलग अलग रेस्टोरेंट से हमने काफी सारी चीजें ऑर्डर करी और जब वो डिलीवर हुई तो कुछ ऐसी दिखी। क्या बात है, कितना मस्त लग रहा है ये देखने में। ऐसे तो मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा क्या है गाइस, पर्दाफाश तो नहीं, लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करती हैं और असली में वो चीज़ें कैसी दिखती हैं, खासकर खाने की चीज़ें, फूड प्रोडक्ट जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, वो हमको एड में कैसी दिखती हैं और असली में कैसी आती हैं, आज इसी की टेस्टिंग करने वाले हैं और वो लोग ऐसा कैसे दिखा पाते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। तो भाई फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का जो बटन है वो ज़रूर से दबा देना। गाइस, हम लोग शुरुआत करेंगे पिज्जा के साथ में, जो कि है डोमिनोज का पिज्जा। हमने ये मंगवाया है मैक्सिकन ग्रीन वेव और इसकी फोटो आप लोग देख सकते हो, बड़ी स्क्रीन पर भी आपको दिखा देंगे। कुछ ऐसा ही दिखता है भाई, देखो ऐसा दिखता है ये एड के अंदर। अच्छा, ठीक है। क्या बात है, कितना मस्त लग रहा है ये देखने में ऐसे तो। और ये देखो जो इसमें हैलोपिनो है वो ऐसे कटे हुए हैं कि एकदम परफेक्ट बराबर कटे हुए हैं, सारे पीसेस भी हाँ सेम है। तो गाइज अब इसको कंपेयर करते हैं असली पिज्जा से, सेम यही पिज्जा जो फोटो में दिखा रहा है ये डोमिनोज से हमने मंगवाया है। चलो गाइज खोलते हैं पिज्जा को और गाइज ये है आपके सामने मैक्सिकन ग्रीन पिज्जा। ये क्या है गाइज? ऐसा ही होता है, ऐसा होता है ना गाइज। और ये देखो, हमने भी नहीं देखा था आपके सामने, हमने सील खोली है और एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये जो पिज्जा है ये वो है जो कि दिख रहा है फोटो के अंदर। सब चीजें प्रॉपर जगह पे अरेंज होके रखी हैं, जबकि ये जो है रियल वाला पिज्जा है जो आया है परफेक्ट जगह पे रखी है। इसमें गाइस जो ये उठाई प्याज, ये लो भाई प्याज, ये उठाए टमाटर, ये लो टमाटर। ये टमाटर देखो, कोई छोटा है कोई बड़ा है, मतलब खाने में तो यार सेम ही रहेगा, टेस्ट में भी सेम ही रहेगा, लेकिन जो दिखता है एड के अंदर उसमें और इसमें जो डिफरेंस वो देख सकते हो। यहाँ पर दो फ्रेम लगा देंगे, एक में ये रियल वाला है और एक के अंदर एड वाला है। आप देखो दोनों में डिफरेंस कितना है भाई। अरे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसमें देखो ये कैप्सिकम जो है इसमें बराबर सेम पोजीशन पे रखी हुई है और इनका ये कैप्सिकम ऐसे कटे हुए एकदम बराबर में। ये देखो, ये वाला देखो कितना बड़ा कटा हुआ है। ये ओलिव कहां से आ गया, इसमें है ही नहीं इसमें। तो भाई पिज्जा जो है वो कैसा दिखता है, कैसा आता है, ये तो आपने देख लिया डोमिनोज का। गाइस ये है दूसरा पिज्जा जो कि है इस बार पिज्जा हट का, और गाइस ये है ये वाला पिज्जा जो रिप्रेजेंटेशन के लिए फोटो यूज करी गई है वो ये है। आप लोग देख सकते हो ये जो फोटो है, ये वाला पिज्जा हमने मंगवाया है। तो अब देखते हैं कि रियलिटी में कैसा निकलता है। एड में ऐसा आता है रिप्रेजेंटेशन वाला जिसके अंदर पनीर है और इसके अंदर ये मिर्ची है, कैप्सिकम है, वो प्रॉपर कट के चीज के ऊपर रखा हुआ है, आप लोग भी देख ही सकते हो। गाइस ये है रियल वाला पिज्जा जो कि हमने मंगवाया है। ये है गाइस दोनों पिज्जा, आप लोग कंपेयर कर सकते हो। इसके अंदर भाई पूरे पिज्जा के अंदर कैप्सिकम रखे हैं, इसमें बस चार पांच कैप्सिकम यहाँ हैं, इस साइड में कोई भी नहीं दिख रहा है, ये वाली साइड खाली है। पनीर के टुकड़े थोड़े बड़े हैं, इसमें पनीर के टुकड़े छोटे हैं, जो भी इधर उधर हो रहे हैं इस वाले का, इसमें जो चिल्ली है ना, जो मिर्ची है वो जरूर बराबर कटी हुई है इसमें। और भाई इसको खींच करके भी एक बार देख लेते हैं, ये तो गाइस ऐसे ही अलग हो गया। हाँ इसमें थोड़ा खींचा था, एक दो जगह से जो है जरूर से जो चीज है वो खींची थी। तो इस तरीके होता है गाइस पिज्जा ऐड में दिखाते हैं वो तो पूरा खींचते हुए वैसे करके आपको दिखाते हैं वो कैसे किया जाता है। अरे वो देना अपना भाई, ये जो है गाइस ये है जादू की छड़ी। तो भाई हम किसी कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, हम जस्ट ये दिखा रहे हैं कि एड को किस तरीके से क्रिएटिवली कुछ दिखाया जा सकता है। अब देखना, इसमें मैंने फेविकोल डाला है और जब हम इसको खींचेंगे तो भाई साहब ये देखो गाइस, ये देखो अभी तक जो है वो चीज खींच रही है, लेकिन हमें स्मेल आ रही है बहुत तेज। चीज की आ रही है फेविकोल। अगर मैं इसको ऐसे लगा के अगर दोबारा खींचूंगा तो गाइस देखना ये दोबारा से भी जो है वैसे ही खींचने वाला है। और यहाँ पर बहुत अच्छी वीडियो या फिर
फोटो ली जा सकती है और दिखने में लगेगा हाँ मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन कुछ इस तरीके से इसको शूट किया जा सकता है। गाइस अब बारी है बर्गर्स की। हमारे पास में है यहाँ पे ये चार अलग अलग बर्गर्स। यहाँ पर ये है आलू टिक्की बर्गर, जो कि अभी हमने भी खोल के नहीं देखा है। जो फोटो होती है वो होती है कुछ इस तरीके की, आप लोग देख सकते हो, जिसमें इसका ऊपर का जो बन है वो एकदम बढ़िया से एकदम सॉफ्ट सा है, सॉफ्ट है। इसकी जो लेयर है बिल्कुल प्लेन सरफेस है। इसकी टिक्की देखो, और इसकी जो टिक्की है कितनी टेक्सचर्स है, क्रिस्पी लग रही है और एकदम गोल है। चलो गाइस अब खोल के देखते हैं अपना जो आया है। भाई ये है एडवर्टाइजमेंट वर्सेस रियलिटी का बर्गर। गाइस इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर और नीचे बने, लेकिन इस साइड से टिक्की दिख गई है। गाइस टिक्की तो है, टमाटर भी दिख गया। अच्छा इधर से थोड़ा सा टमाटर दिख रहा है, इधर से टिक्की दिख रही है। टिक्की क्रिस्पी तो दिख रही है। वैसे देखो इसमें दिख सारी चीजें नहीं है, जो जो इस फोटो में है एक एक साइड से, टमाटर इस साइड में दिखेगा आपको, टिक्की इस साइड में, लेकिन और ये इसमें जो प्याज है वो इस साइड में दिखेगा। नहीं ये देखो ना कि ये जो इसका ऊपर का जो ब्रेड है और बीच का जो हिस्सा है उसकी मोटाई बराबर है दोनों की, लेकिन इसमें तो आधा है, इसमें तो नहीं यार यही कम है, ये भी कम है और ये भी, और इधर पे तो है ही नहीं, कम है ये। हाँ ऐसा ही है, आधा ही है। नीचे वाला परफेक्ट है और ऊपर से भी आप इसका डिजाइन देख सकते हो, वो एकदम ऐसे है, ये वाला थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन ये पैक होके भी आया, ये भी थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। बट गाइस फिर भी इसको देख के ऐसा मन कर रहा है, मन इसको देख के भी कर रहा है, लेकिन ये इसका जो है और ये खाया भी जाएगा अभी। अरे चलो खाओ तुम, अपन अगला देखते हैं। गाइस अगला ये है बटर पनीर ग्रिल्ड बर्गर, जिसमें आप लोग देख सकते हो फोटो के अंदर क्या दिख रहा है, काले तिल। काले और सफेद तिल तो इसके ऊपर हैं, ये तो दोनों हैं, और है इतना बड़ा पनीर, क्या बात है। इस साइड में तो पनीर यार ये फिर से वही इतना पतला सा आता है यार, दिखने में बहुत मोटा दिखता है लेकिन आधा बहुत ही पतला है। और गाइस ये है हमारा आज का आखिरी नहीं एक और है, ये भी जो है मस्त दिख रहा है बर्गर, और ये है ये है नहीं, ये बर्गर था, अब क्या दिखाएं आपको। गाइस अभी हमारे पास में एक और बचा है जो कि है महाराजा मैक, निकालो भाई। ये है महाराजा जो कि इतना बड़ा दिखता है, आप लोग फोटो में देख सकते हो, डबल टिक्की है, बहुत सारी लेयर्स है इसके अंदर अलग अलग चीजों की। और गाइस ये टेढ़ा कैसे आया भाई, नहीं आएगा गाइस ये आया टेढ़ा, इसमें बहुत सारी लेयर जो दिखाई गई थी ना, लेयर तो है इसमें, लेयर है, लेयर्स तो काफी सारी, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कम है जितनी कम उसमें दिखती है। तो गाइस कुछ ऐसा आता है महाराजा मैक, इसकी मोटाई देख इसकी कितनी मस्त है, मुंह में आ जाएगा ये, मुंह में तेरे तो आ ही जाएगा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। कैसा टेस्ट, अरे तो हम यार चेक तो कर लेते एक बर्गर को कम से कम, सारे तू ही खाएगा क्या, पांच बर्गर थे सारे खा गया, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर ये उतना बड़ा होगा जितना एड में है तो मुंह में नहीं आएगा, मैं भी सोच रहा हूँ। अभी इसमें दो बेस दे रखे हैं, आधा आधा करके आप खा सकते हो, आधा करके नहीं खाते, इसको पूरा ही खाता, मैं तो आधा ही खाता। गाइस अब आते हैं चिप्स के ऊपर, जो चिप्स का पैकेट है वो हम लेके आए हैं बहुत बड़ा। गाइस ये जो है 50 रुपए वाला पैकेट है, इसमें तो बहुत सारी होंगी चिप्स भाई, बहुत सारी होनी चाहिए, वैसे तो 50 रुपए का है भाई, 10 या 20 वाला नहीं है, 50 का है, लंबाई देखो एक बार कितना लंबा है। और भाई मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं काटूंगा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा काटने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये तो पूरा भरा होना चाहिए है। और गाइस उत्तरी देखो दिख नहीं रहा, वो देखो, अरे हाँ ऐसे लग रहा है चिप जो है वो कुएं में पड़ी है नीचे। सही में ये इतना बड़ा पैकेट है भाई, आप लोग देख सकते हो, और ये है इसके अंदर चिप्स। भाई इतनी हवा क्यों देते हो यार, बस हवा निकल गई। गाइस ये सब जो है कहीं ना कहीं मार्केटिंग वाली चीज भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये लेजी, ऐसा हर कोई ऐसा करता है। मैंने इतनी पन्नी हटा दी है जो कि इससे ऊंची है, ठीक है, और एक्चुअली में जो चिप्स है वो है ये, इतना बड़ा पैकेट होता है और उसमें जो चिप्स होती है वो इतनी होती हैं, आप देख ही सकते हो इतना भरा होता है। अब हम एक दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे कि ये जो पैकेट है अगर इसको पूरा भरा जाए तो आखिर कितने चिप्स के पैकेट लगेंगे इसी साइज़ के, 50 रुपए वाले, पकड़ो इसको।
तो 50 रुपए के डब्बे में, 50 रुपए के पैकेट में अगर हमारे हिसाब से 160 रुपए की चिप्स होंगी टोटल, तो ये ऊपर तक भरेगा और आपको जो चिप्स है वो ऊपर नजर आएंगी। अब इसमें और भी डाली जा सकती है थोड़ी बहुत। तो भाई अब देखते हैं कुरकुरे, और ये जो है आप देख सकते हो कि ऐसा दिखता है फोटो में। इसके अंदर भी हवा तो है डेफिनेटली, लेकिन कितनी है वो अभी देखेंगे। सही कट रहा है। तो गाइस ये वो पार्ट है जो खाली है, आप लोग देख सकते हो, और ये वो पार्ट है जो भरा हुआ है। तो यहाँ पर अगर अब हम कंपेयर करें इसको इस फोटो के साथ में, तो यार एक बात है, ये थोड़ा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ही इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि ये मैच कर ही रहा है, क्योंकि इसमें भी टेढ़ी मेढ़ी दिखा रहा है कि इन्होंने इतना झमेला नहीं किया कि एकदम क्लीन और एकदम वैसा, क्योंकि ये होता ही ऐसा है। और भाई एक बात और बता दूं, इस वीडियो में दिखाई गई कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो हमको कोई पैसा नहीं मिला है किसी कंपनी कोई चीज़ दिखाने का या उसकी तारीफ या बुराई करने का, कुछ नहीं मिला है भाई। जो रियलिटी है वो हम आपको दिखा रहे हैं एज ए कंज्यूमर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ क्या चल रहा है? अरे बहुत चीज बची है, इधर आओ, ये बहुत सारी वीडियो बची है। अरे और चॉकलेट है ना हमारे पास में, है ना भैया, यहीं रख के बैठे हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये तो बढ़िया बात कही इन्होंने, लेकिन लेकिन जो चॉकलेट्स होती हैं वो भी आपने देखा, उनके जो एड्स आते हैं या उनकी जो फोटोज आती हैं वो कैसा दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 स्टार है, इसके ऊपर इसकी फोटो बनी है, कोई भी चॉकलेट स्नीकर्स है उसके ऊपर, इसके ऊपर तो गाइस कुछ फोटो नहीं है, लेकिन एड जो आती है ना उनमें इनकी फोटोज वीडियो जरूर से आती है, जिसमें चॉकलेट ऐसे कंच से टूट रही है, उसको खा रहे हैं तो प्रॉपर शेप में कटी हुई है, वैसा दिखता है। चलो किटकैट को खोलते हैं सबसे पहले, और जो किटकैट है गाइस वो दिखती है कुछ ऐसी, फोटो में किटकैट दिखती है टूटने के बाद ऐसी। 5-6 तो टुकड़े हैं इसमें, ये टुकड़े आने चाहिए और अंदर 3 लेयर्स आनी चाहिए बराबर वाली। चलो गाइस तोड़ते हैं, पहले एक टुकड़ा तोड़ते हैं, काफ़ी सही से टूटा है, अब तोड़ते हैं बीच से, ये तोड़ा मैंने। और भाई तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि अंदर 3 लेयर्स तो हैं, और ये 5-6 टुकड़े तो नीचे गिर गए होंगे। गाइस यहाँ पर 3 लेयर्स तो हैं, और यार मैं कहूँगा काफ़ी क्लोज है ये, बस इनका जो कलर है वो इसमें येलो है लेकिन इसके अंदर वाइट है रियल प्रोडक्ट के अंदर। तो भाई किटकैट जो है वो काफ़ी क्लोज निकला। खोलते हैं अगली चॉकलेट, 5 स्टार खोलते हैं। 5 स्टार की फ़ोटो आप देख सकते हो, क्रीम निकल रही है इसको तोड़ने पे या काटने पे, और ये है भाई रियल चॉकलेट जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। चलो इसको ब्रेक करते हैं, और गाइस अरे वाह ये सही है, ये क्या बात है, इसमें तो हाँ ये तो बिल्कुल फ़ोटो जैसी दिख रही है भाई, ये बिल्कुल फोटो जैसी दिख रही है, जैसा इसमें दिख रही है दोनों आप देख सकते हो वैसी टूटी है। खा के खो जाते हैं यार, एक बात है जो चॉकलेट्स है ना वो काफी क्लोज निकल रही हैं, जो रियलिटी है जो फोटो होती है वह प्रोडक्ट भी दिख रहा है। गाइस अब इतना था तो मेरे से रुका नहीं गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कर लो गाइस। आते हैं अगली चॉकलेट पे, तो गाइस कुछ यहाँ पर मांगने वाले लोग आ चुके हैं तो उनको भी हम लोग दे देते हैं। ये है गाइस डेरी मिल्क कैडबरी लिखा हुआ है, जब इसको तोड़ते हैं ना तो जो फील आती है जो फोटो में आती है उसमें, और रियल इसमें टुकड़े भी निकले हैं लेकिन ये कुछ इस तरीके से टूटती है जो कट है। गाइस अब आते हैं डार्क फैंटेसी चोको फिल्स पे, जिसकी फोटो जो है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पे जो है इसको जब तोड़ते हैं तो बीच में चॉकलेट ऐसे निकल के बह रही है, और ये है गाइस डार्क फैंटेसी, ये जो है काफी हद तक मैच कर रहा है इससे, और अब इसको तोड़ भी लेते हैं। अरे टूट ही नहीं रहा, ये तोड़ लिया। तो गाइस ये देखो रियल से अगर आप कंपेयर करते हो फोटो को उसमें डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस का एक और रीज़न भी हो सकता है, टूटा तो ऐसे ही है ये कि ये जो फोटो है ये थोड़े से हाई टेम्परेचर पे ली गई होगी, क्योंकि अभी गाइस ठंड का मौसम है तो अंदर की चॉकलेट जमी हुई है, और मुझे विश्वास है यार थोड़ी गर्मी हो तो ये बहने भी लग जाएगा। अब गाइस जब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें ले ली हैं तो छोटी छोटी क्यों छोड़ा जाए, हमारे पास में सेंटर फ्रेश, और देखते हैं कि जो फोटो आती है एड में और उसमें क्या डिफरेंस है। तो भाई ये जो है शेप इसकी भी सही है, शेप इसकी भी ठीक है, इसके अंदर जो फिल होता है ना, जो फिल होता है उसको ज़रा खोल के देखते हैं।
यार फिल भी एक डिसेंट अमाउंट है अंदर जो है, और आप देख सकते हो कि ये एड से और इसमें कितना डिफरेंस है, मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा इसमें। कौन है ये पागल आदमी? लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सेंटर फ्रेश ज़ुबान पर रखे। तो गाइस अब आते हैं फ्रेंच फ्राइज पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो फ्रेंच फ्राइज है ये है असली वाली जो कि हमने मंगवाई है, और आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ ऐसी दिखती हैं जो कि अभी दिख रही हैं। ये है गाइस लार्ज साइज, ये है मीडियम साइज, आप लोग देख सकते हो इसमें कितनी फ्राइज आती है, यहाँ तक भरी होती है, इसमें तो दिख भी नहीं पा रही है, एक बाहर लटक रही है, ऐसे ही आई थी, इसको अंदर रख ले तो आप देख सकते हो, लेकिन जो ऐड होता है गाइस उसमें सारी जो फ्रेंच फ्राइज है वो बाहर तक निकली होती है, देखने में लगता है कि हाँ निकालो खा लो, मस्त क्रंची क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन गाइस ऐसे नहीं होता। तो आज हम आपको बताएंगे वो राज कि कैसे इनको दिखाया जाता है शानदार तरीके से। उसके लिए दो तीन चीजें चाहिए, ले आओ भाई इधर लाओ, अब सारा राज दिखाते गाइस आपको कि एडवर्टाइजमेंट में कैसे काम होता है। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए पीयू फोम, ये मैंने इसको काटा चाकू से, अब हमको चाहिए कुछ टूथपिक। तो गाइस यहां पर मैंने इस फोम के ऊपर बहुत सारी टूथपिक लगा ली है, और अब मुझे इसके अंदर बढ़िया बढ़िया सीधी सीधी फ्राइज लेनी है और इन टूथपिक के अंदर घुसाने की। मेहनत कर पसीना बहा, दिमाग का इस्तेमाल किया मैंने। चलो ठीक है, बस बहुत है लो, अपने अपने कैसे लग रही है? अरे अपने भाई लोग बहुत समझदार हैं, अपने सब्सक्राइबर सब समझ जाएंगे कि क्या होता है खेल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप हिंट के लिए समझ सकते हो कि कुछ इस तरीके से जो है बनाया जाता है। अरे एक ही निकल रही है भाई, इसको हटा देते हैं। ऐसा दिखता है एड के अंदर और ऐसा दिखता है रियल में, आप लोग देख सकते हो। गाइस मजेदार था ना ये पूरा वीडियो। इसमें देखो हमारा मकसद, किसी भी कंपनी या किसी भी फूड वाले वो सब अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, उसको कुछ भी उसके बारे में कैसा भी कुछ कहना नहीं था। गाइस हमारा पर्पस ये था कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें किस तरीके से क्रिएटिवली चीजों को दिखाया जाता है, तो वो हमने दिखाया। ये जो है मार्केटिंग के लिए ऐसी फोटोज वीडियोज वगैरह बनाई जाती हैं ताकि प्रोडक्ट अच्छा दिखे और जो देख रहा है उसके मुंह में आ जाए पानी, और फिर वो ऑर्डर करे, मत खूब मंगाए मत खाए, और फिर और उसके पास आएगा ये। लेकिन आने के बाद में गाइस ये भी आएगा तो भी बंदा खाएगा ही सही, ठीक है। तो एक बार दिखाना होता है, और इसीलिए लगभग हर चीज के ऊपर लिखा होता है कि दिस इज फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पज ओनली। तो आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से गाइस काम किया जाता है, हमने आपको इतनी सारी चीजें दिखाई हैं। अगर आपको मजा आया इस वीडियो में तो लाइक का बटन गाइस जरूर से दबा देना वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मजेदार वीडियोस के लिए। सुबह शुरू किया था, शाम हो गई, शाम से अब रात हो गई, प्रोडक्ट मंगा रहे हैं आपको दिखाए जा रहे हैं, बस यही कर रहे हैं। रात के भी इनफैक्ट गाइस 12 बज रहे हैं फिलहाल। प्लीज लाइक कर देना सब लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।